जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में आपकी राशि के आज के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्राश पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के राशिफल को जान लेते हैं। आज का राशिफल कैसा रहेगा आपका आज का दिन, प्रेम, स्वास्थ्य, धन, नौकरी और व्यापार से संबंधित सभी बातें करेंगे आज के राशिफल में। अपने निर्णय और योजनाओं को परिवार के साथ साझा करें। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो ध्यान दें, आय का कोई नया स्रोत मिल सकता है और आप आज आपके दोस्त और रिश्तेदारों से मिलने का समय निकाल सकते हैं। नए लोगों से मिलें ताकि आप जान सकें कि दुनिया में आपके लिए कितने नए अवसर हैं। आपको सफलता मिलने वाली है, बस आप सही समय का इंतजार करें। मुसीबत सब लोगों पर आती है, किंतु कोई इससे बिखर जाता है तो कोई इससे निखर जाता है। आज कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सोच समझ कर लें और भविष्य की योजनाएं बनाएं। पार्टनर्स और करीबी साथी के साथ समय बिता सकते हैं। आज आप दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों से मिलने के बेहद इच्छुक हैं। आपके लिए नए दोस्त खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे आपको दुनिया को देखने का नया नजरिया भी मिल सकता है। नई संभावनाओं के लिए अपनी आंखों को खुला रखें, नए अवसरों को अनदेखा ना करें। आज आप उन लोगों से मिलेंगे जिनके आप बहुत करीब हैं। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज आपसे संबंध मधुर रखेगा। आज कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं और फायदेमंद कॉन्टेक्ट बनेंगे। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखें। आलस और लापरवाही की वजह से कई काम रुक सकते हैं और कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। किसी भी खास फैसले के लिए अनुभवी बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करें, अन्यथा आपके खुद के निर्णय भी गलत हो सकते हैं। व्यापार में ग्रोथ लाने के लिए कामों में नयापन लाने की जरूरत है। कामकाज को लेकर कोई नजदीकी यात्रा करनी पड़ सकती है जो कि लाभदायक रहेगी और मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा। करियर कारोबार के अवसर बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रयासों को गति मिलेगी। प्रशासनिक प्रयासों में तेजी आएगी। आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी। बड़ों का विश्वास पाएंगे। लोग सहयोगी होंगे। सुख प्रस्ताव प्राप्त होंगे। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अपने कार्य के लक्ष्य पर फोकस रखें। धन वैभव में वृद्धि होगी। सफलता का प्रतिशत संवरेगा। आर्थिक मामलों में सुप्ता बनी रहेगी। धैर्य से काम लेंगे। भावुक विषयों से बचें। रिश्तों में धैर्य और संतुलन बनाएं। तार्किकता पर जोर रहेगा। परिजनों की सलाह से निर्णय लेंगे। प्रेम के मामले पक्ष में रहेंगे। मनोबल बढ़ता रहेगा। अपनों का सहयोग पाएंगे। खान पान का ध्यान रखेंगे। पिछले कुछ समय से रुके हुए और अटके हुए काम पूरे होंगे आज के दिन आपके। आप कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे और सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। इस समय दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना जरूरी है। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर गंभीरता से विचार अवश्य करें, अन्यथा कुछ गलतियां हो सकती हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। अपने हुनर और काम करने के तरीके से कार्य क्षेत्र में अपनी छवि आज के दिन सुधार सकते हैं। वहीं कुछ जातकों का स्थान परिवर्तन भी आज के दिन हो सकता है। पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आज के दिन अपने दायित्वों को करने के लिए आप आगे आएंगे। आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल भी हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं। दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। कुछ दिनों से आपके कार्य क्षेत्र में चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही थी, परंतु अब कुछ सुधार आने की उम्मीद है। आपको याद रखना होगा कि कार्य क्षेत्र के सहयोगी मित्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से आप शांति से काम में तालमेल स्थापित कर सकते हैं।
आप थोड़ी सी नरमी दिखाएं तो कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ आप शांत माहौल का मजा ले सकते हैं। नौकरी पेशा लोग अपने हुनर से सीनियर्स की नजर में अच्छी छवि बना सकते हैं और कुछ जातकों को किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर काम के सिलसिले में आज जाना पड़ सकता है। बेरोजगार लोगों को आज के दिन रोजगार मिलने की संभावना है। करियर कारोबार बेहतर बना रहेगा। कारोबारी चर्चाओं में सफल होंगे, सफलता मिलेगी, गंभीरता बढ़ेगी, संबंधों का सम्मान करेंगे, योजनाओं में बेहतर होंगे। लोगों का साथ आज के दिन आपको मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, अपनों के लिए सर्वश्रेष्ठ करने का भाव रहेगा, बड़प्पन बढ़ेगा, मित्र सहयोगी होंगे, सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखेंगे, निसंकोच कार्य करेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे, कार्य व्यापार के विषय सकारात्मक रहेंगे, प्रबंधन प्रशासन से लाभ होगा, वरिष्ठों का साथ और विश्वास बनाए रखें, योजनाओं को गति मिलेगी, महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अवसरों में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा में सफलता पाएंगे, पैतृक कार्य बनेंगे। आप अपने करियर में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ आज आपके रास्ते में आएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को करते हैं तो वहां पर आपको पैसा या पद की उन्नति हो सकती है। आज आदर्श स्थिति है कुछ भी पाने के लिए, बस कड़ी मेहनत करते रहें और अन्य लोगों की राय का सम्मान करें और अपने बड़े बुजुर्गों की राय का सम्मान करें और जो भी आपने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते किया है वो सब आपको उसका फायदा मिलेगा। ये समय थोड़ा कठिन परिश्रम के बाद ही आपको सफलता देगा, तो कठिन परिश्रम के फल का आनंद लें। व्यापारिक लोन या टैक्स संबंधित मामलों में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, इसलिए इन कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। काम काज को लेकर की गई नजदीकी यात्रा आपके भविष्य का द्वार खोलेगी। आज आपके लिए बहुत सारा काम है, व्यस्त रहेंगे, जल्दी के चक्कर में अपने किसी शुभ चिंतक को नाराज कर सकते हैं, तो नम्र बने रहें। आपकी सकारात्मकता के कारण नए अवसर मिलेंगे, धीरज रखें, बदलाव तो आपके जीवन में भी होना ही है। आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। परिवार के किसी बड़े काम के निपटारे की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप दिन गुजरने के साथ थोड़ा परेशान होंगे। कार्य क्षेत्र में आज आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छोटी से छोटी परेशानी बार बार आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक क्षेत्र में आपकी स्थिति थोड़ी डामाडोल रहेगी, लेकिन आप इस स्थिति से आसानी से निपट लेंगे। अपने सीनियर अधिकारियों से मधुर संबंध बनाकर रखें। आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, फिर भी कई बार लोगों को आपकी बातें चुभ जाती हैं, इससे आपका ही आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दें, शांत रहें। आप तरक्की करेंगे और जब आपकी बारी आएगी तो आपकी भी पदोन्नति होगी। आज ऑफिस में आपके बॉस आपसे खुश होकर आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना भी भविष्य में बन सकती है। पारिवारिक सदस्यों और माँ के साथ संबंध मजबूत होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होने से प्रसन्नता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सरकारी कामकाज भी अच्छी तरह संपन्न होंगे। कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण आज आपको थोड़ी टेंशन देखने को मिल सकती है, परंतु आप अच्छी तरह अधिक कार्य कर सकेंगे। आपकी कार्य के प्रति निष्ठा लंबे समय बाद आपको लाभदायक साबित होगी। आपका दिन उत्साहवर्धक होगा। आज इस बात की काफी संभावना है कि आपको काम से संबंधित थोड़ा तनाव झेलना पड़े। शाम में दोस्तों से मुलाकात के बाद सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। वैवाहिक जीवन सुखद और खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। जो किसी के साथ संबंध में हैं, उनके संबंध मधुर होंगे। जो अकेले हैं, उन्हें कोई साथी आज के दिन मिल सकता है। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। खाली समय में आज अपने जीवन साथी से दूर नहीं रह पाएंगे आप। सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है, यानी उनको कोई साथी मिल सकता है। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। पति पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आज आपकी तारीफ होगी। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। थकान की वजह से शारीरिक और मानसिक तनाव थोड़ा बहुत रह सकता है और आज का दिन कोई नया स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए अच्छा है, यानी आप योग जिम वगैरह जाने की तैयारी कर सकते हैं, जाना शुरू कर सकते हैं। अपने खाने का विशेष ध्यान रखें और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो परेशानियां हो सकती हैं। सबसे अच्छा उपाय आज के दिन ये है
कि आप दिन की जो शुरुआत है वो एक्सरसाइज, योग या ध्यान से करें। इससे आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। तनाव को, अपनी मानसिक शांति को भंग करने ना दें, फिर आपका दिन कहीं अधिक अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। ध्यान, योग, प्राणायाम करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें। तो मित्रों, आज मैंने आपसे आपकी राशि के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।